हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 18.3। यहाँ पर हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें रैशनल नंबर्स का यहाँ करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखिए, अगर हमारे पास नंबर 1/2 × 2/3 + 3/4, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है दो रैशनल नंबर्स के सम से। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। या तो हम इस नंबर को पहले ऐड कर दें, देन यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इस नंबर से हम इस नंबर को एंड इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें ऐड करें। आइए हम दोनों मेथड्स इसे सॉल्व करते हैं। यह है फर्स्ट मेथड, हम पहले इन्हें ऐड कर रहे हैं इनटू 2/3, 3 एंड 4 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। ओके, 1/2 × 8 + 9 = 17/12। देन अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 1 जा 17। यहाँ पर हमें इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे और इस नंबर का मल्टीप्लाई सिर्फ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से ही करना है। तो 17 1 जा 17 एंड 12 2 जा 24। सो ये होता है हमारा आंसर। इस मेथड से हमारा आंसर हुआ 17/24। देन हम सेकंड मेथड यूज करते हैं, 1/2 × 2/3 + 3/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 × 2/3, फर्स्ट हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई इस फर्स्ट नंबर से किया, प्लस 1/2 का ही हम करेंगे मल्टीप्लाई 3/4 से। यहाँ पर हमारे पास नंबर अंडर ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी साइन है मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, जो भी साइन है, जो भी हमें इसे करना है, वो इस नंबर से हम इन दोनों नंबर्स का करेंगे। मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नंबर से होगा, डिवाइड होगा तो दोनों नंबर से, प्लस या माइनस दोनों नंबर से ही होगा। तो हम पहले इन्हें अलग अलग करके इनका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर प्लस साइन है तो हमें बीच में ये प्लस साइन लगाना बहुत ही जरूरी है। देन हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8। देन हम लेते हैं एलसीएम 6 और 8 का, तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा एंड 3 3 1 जा एंड 1, 3 2 जा 6 6 2 जा 8 8 2 जा 16। अब यहाँ पर एलसीएम आता है 16, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 यहाँ पर आता है एलसीएम 24। जब एलसीएम आता है 24, अब हम 6 से डिवाइड करते हैं 24 को, 6 4 जा 24 4 2 जा 8 प्लस 8 3 जा 24 3 3 जा 9, 8 + 9 17/24। सो यहाँ पर भी आंसर आया, देखिए 17/24 एंड 17/24। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आपका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। दोनों ही सिचुएशंस में आंसर इक्वल होता है, ओके? और दोनों ही सिचुएशंस में रैशनल नंबर्स का जब मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर एक रैशनल नंबर ही होता है, ओके? नेक्स्ट है अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स विथ जीरो। अगर किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो से किया जाए तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो ही होगा। तो किसी भी रैशनल नंबर का हम अगर मल्टीप्लाई विथ जीरो, 1/2 × 0/2, सो आंसर इज 0/4 = 0, सो आंसर आया 0। तो हमेशा किसी भी नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम जीरो से करते हैं तो आंसर आता है वहां पर 0। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, हमें किसी ऐसे नंबर से उसका मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमारा आंसर वही रैशनल नंबर जो हमारे पास पहले से है वो चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे कि 2/3 का मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करेंगे कि हमारा आंसर 2/3 ही आए। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई जब 1 से करते हैं तो वो एज इट इज रहता है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 से, इट मीन्स 1 से। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी रैशनल नंबर्स। 1 किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, इसका मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करें
किसी भी रैशनल नंबर से, तो वो रैशनल नंबर एज इट इज आंसर में हमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमारे पास अगर कोई रैशनल नंबर है, हम उसका मल्टीप्लाई उसके ही इनवर्स से कर दें, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 2/3, अगर हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर दिस नंबर। इसके डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 3 and 3 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर होगा 1। सो किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर उसके एडिटिव इनवर्स से किया जाए तो हमारा आंसर होता है 1। ओके, आइए अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। इन एक्सरसाइज 18.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज गिवन बिलो एंड चेक इट, p/q इंटू r/s इक्वल r/s इंटू p/q। अब यहाँ पर हमें p/q एंड r/s के लिए कुछ वैल्यूज दी हुई है, इन्हें हमें इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है p/q इंटू r/s एंड r/s इंटू p/q, इसे हमें रखना है यहाँ पर और देखना है कि क्या ये इक्वल है। पर वैल्यूज है फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास p/q इक्वल टू -3/7 एंड r/s इक्वल टू 11/50। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, p/q इंटू r/s इक्वल r/s इंटू p/q। देखिए यहाँ पर p/q इंटू r/s है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में है पहले r/s इंटू p/q। इट मीन्स यहाँ पर इंटरचेंज किया गया इस रैशनल नंबर का, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हम इन्हें पुट करते हैं। p/q है -3/7 इंटू r/s है 11/15 एंड यहाँ पर r/s 11/15 इंटू -3/7। हमने इन नंबर्स को जैसे कि हमें दिया हुआ है वैसे हमने पुट कर लिया। अब हम इन्हें कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो यहाँ -1 इंटू 11 -11 होगा आंसर, हमारा आंसर होगा यहाँ पर -11 अपॉन 7 5 जा 35 इक्वल, यहाँ पर भी हम कट करते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो 1 इंटू 11 इंटू -1 -11/7 5 जा 35। तो यहाँ पर हमारा आंसर दोनों ही सिचुएशंस में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में इक्वल आता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 2, p/q इक्वल, यहाँ पर p/q है 2 एंड r/s इक्वल 13/17। p/q इंटू r/s इक्वल r/s इंटू p/q, तो p/q है यहाँ पर 2 इंटू r/s है 13/17 इक्वल 13/17 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 को हम 2/1 लिखेंगे, तो 13 2 जा 26/17 इक्वल 13 2 जा 26/17, 17 1 जा 17, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर पुट करते हैं तो वहां पर हमारा आंसर इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है p/q इक्वल -105/13 एंड r/s इक्वल -5/8। तो यहाँ पर हम देखते हैं p/q इंटू r/s इक्वल r/s इंटू p/q। सभी क्वेश्चन में आपको बस वही करना है, 105/13 इंटू r है -5/8 इक्वल -5/8 इंटू -105/13। अब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 अपॉन 13 8 जा 8 3 जा 24, 2 रिमेनिंग 8 1 जा 8 प्लस 2 10, 104 इक्वल माइनस माइनस प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, 5 into 105 525 हो जाएंगे अपॉन 13 8 जा 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन इज p/q -16/3 -16/3 एंड r/s इक्वल 0। अब यहाँ पर अगर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारा क्या होगा, 0 ही होगा इक्वल r/s इंटू p/q।
3 by q is minus 16 by 3 into 0 equals 0 into minus 16 by 3. अब 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा 0 by 3 equal 0 by 3 होगा. तो 0 equal 0. Left hand side equal right hand side. तो ये हुआ question number first. Completely solved. Next है question. Substitute x, y and z and check whether x into y plus z equal x into y plus x into z. तो ये अब क्या है? ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर एक्स वाई जेड को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में रखा गया है और हमें कुछ वैल्यू दी हुई है एक्स वाई जेड की, जिसे हमें प्रूफ करना है कि क्या ये सही है या नहीं. आइए फर्स्ट क्वेश्चन है. एक्स की वैल्यू है माइनस वन बाई टू, वैल्यू ऑफ वाई इज 5/7 एंड वैल्यू ऑफ जेड इज 7/4. तो यहाँ पर हमें एक्स इंटू वाई प्लस जेड इक्वल एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, यहाँ पर इसे पुट करना है. तो आइए हम यहाँ पर पुट करते हैं. एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू इंटू वाई है 5/7 प्लस माइनस 7/4 इक्वल एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू इंटू 5/7, यहाँ पर 5/7 है, प्लस माइनस 1/2 इंटू माइनस 7/4. यहाँ पर हमें इन्हें ब्रैकेट्स में कर लेना अच्छा होगा, इससे हम इन्हें मिक्सअप नहीं करेंगे, अलग अलग इन्हें सॉल्व कर पाएंगे. अब यहाँ हम पहले एलसीएम लेते हैं. माइनस 1/2 को हम एज इट इज रखते हैं. 7/4 = 28. यहाँ हम लेते हैं 7/4 = 28, 4/5 = 20, प्लस माइनस हम ब्रैकेट में लेते हैं. 4/7 = 28, 7/7 = 49 इक्वल. अब इसे भी हम साथ ही साथ सॉल्व करते चलते हैं. आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले देन राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं और एक साथ भी, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं. 5/1 = 5 माइनस 7/2 = 40 प्लस माइनस माइनस प्लस 7/1 = 7 अपॉन 4/2 = 8 माइनस 1/2 इंटू, अब यहाँ पर 20 - 49, यहाँ पर प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएंगे. 20 - 49 तो आंसर होगा 29. माइनस 29/28 इक्वल. अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 14 और 8 का. 14 and 8, 2/7 = 14, 2/4 = 8, 2/2 = 4, 2/1 = 7, 7/2 = 14, 14/2 = 28, 28/2 = 56. तो यहाँ पर होगा 56. अब हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 14 से डिवाइड करते हैं 56 को. तो 14/4 = 56, 4/5 = 20, सो यहाँ माइनस 20, प्लस 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो 8/7 = 56, 7/7 = 49. यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब माइनस माइनस प्लस 29/28 × 2 = 56 इक्वल 49 - 20. 49 से 20 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 29/56. सो आंसर इज 29/56 एंड 29/56. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड. सो इन दिस प्रॉपर्टी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों ही साइड का आंसर इक्वल होता है. मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, दोनों ही मेथड से एक साथ सॉल्व किया और हमारा आंसर आता है इक्वल. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू 3/2, वाई इक्वल माइनस 8/5 एंड जेड इक्वल 17/6. अब यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक बार देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ. एक्स इंटू वाई प्लस जेड, तो एक्स यहाँ 3/2 इंटू वाई है माइनस 8/5 प्लस 17/6. 3/2 इंटू 6/5 = 30, ऐसे हम आता है 30, 5/6 = 30, 6/8 = 48 माइनस साइन होगा यहाँ, प्लस 6/5 = 30, 17/5 = 17 का मल्टीप्लाई अब हम 5 टाइम्स करेंगे. 5/7 = 35, 3/5 + 5 + 3 = 85. 32 इंटू 85 में से हम माइनस करेंगे 48 को, एट
का सेट होता है 16, तो यहाँ आएगा 7, 8 7, 8 + 7 15, 7 - 4 3, 37, 37 by 30. सो यहाँ पर आंसर होता है 37 × 3 एंड 30 × 2, 32 जा 16, 3 7 जा 21, कैरी टू 3 3 जा 9, 10 and 11, 111 by 60 होता है आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। देन राइट हैंड साइड को अब सॉल्व करते हैं, ये इसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल x into y + x into z, 3/2 × y है -8/5 +3/2 × 17/6, 8 3 जा 24, 5 2 जा 10 +17 3 जा 51, 6 2 जा 12। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं 10 और 12 का, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 5, 3 1 जा 5, 5 1 जा 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो यहाँ पर आता है एलसीएम 60, 10 6 जा 60, 6 × 24, 6 4 जा 24, 2 इज रिमेनिंग, 6 2 जा 12 +2 40 144, +12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 इक्वल। अब इन्हें हम प्लस करते हैं, 255 में हम -144 को प्लस करेंगे, इट मीन्स हम 144 को माइनस करेंगे, तो 5 - 4 1, 5 - 4 1, 2 - 1 1, 111 by 60। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही है, राइट हैंड साइड में भी यही है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, x = 1, y = 9/5 एंड z = 0, x into y + z। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x है 1 into y है 9/5 +0, 1 into, अगर हम इसे ऐड करते हैं 9/5 +0 करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आता है 5 5 1 जा 5, 1 9 जा 9 प्लस यहाँ पर 0 है तो ये 0 ही रहेगा, बिकॉज इसके नीचे अगर 1 है तो 1 5 जा 5, 5 0 जा 0, इसके बाद 1 × 9 + 0 9/5, सो आंसर इज 9 1 जा 9/5, यहाँ पर 9/5 होता है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड में हम देखें इक्वल x into y + x into z, x है यहाँ पर 1 × y 9/5 +1 × 0, अब यहाँ पर 9 1 जा 9 by 5 1 जा 5 +1 0 जा 0, अब इसे हम एलसीएम लेते हैं तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं, 9 + 0 = 9/5, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है 9/5। सो यहाँ हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर्स का इंटरचेंज होता है, तो यहाँ पर 2/3 × 4 = 4, अब यहाँ पर पहले आ गया 4, जो यहाँ पर बाद में था वो पहले आ गया, तो पहले जो नंबर है वो बाद में आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2/3। सेकेंड है 11/19 × अब यहाँ पर ब्लैंक दे दिया गया इक्वल 1/2 × उसके बाद ब्लैंक दिया है, यानी कि एक नंबर यहाँ है और दूसरा नंबर यहाँ है, तो यहाँ जो पहला नंबर है राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड नंबर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एंड लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट नंबर है वो राइट हैंड साइड का सेकंड नंबर होगा 11/19, यहाँ इस ब्लैंक में आएगा 11/19। ठीक वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में 7/9 और फर्स्ट नंबर गायब है और राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर ही गायब है इनटू -3/17, तो -3/17 जो कि सेकंड में है वो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट में एंड यहाँ जो सेकंड में वो यहाँ पर आएगा फर्स्ट में 7/9। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फिल द ब्लैंक्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, अब एसोसिएटिव आप अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चेंज क्या है, दोनों होते एक जैसे हैं बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में साइन एक ही टाइप का था, यहाँ पर साइन देखिए सभी जगह मल्टीप्लाई का है, सभी में मल्टीप्लाई का ही साइन रहेगा,
पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस भी होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 17/6 इंटू 2/9, ये हमने किया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम इन दो नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 17/6, देन हम लिखेंगे इस थर्ड नंबर को 2/9। इससे मल्टीप्लाई ही होगा सभी नंबर्स का, बट इन्हें पहले हम बाद के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हम पहले के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक वैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -1/8 इंटू अंडर ब्रैकेट -2/5 इंटू 1/4, यहाँ पर 1/4 और 2/5 का मल्टीप्लाई हुआ, जबकि राइट हैंड साइड में 1/4 को बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहले दो नंबर्स को पहले किया जाएगा, -1/8 एंड -2/5। 4/7 थर्ड है, 4/7 इंटू -25/3 इंटू 1/5। अब इसे हमें खुद से बनाना है, तो हम इन दो नंबर्स को पहले लिखते हैं 4/7 इंटू -25/3 इंटू 1/5 को हम लिखते हैं बाद में। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो रिलेट टू सम प्रॉपर्टी, राइट द प्रॉपर्टी इन द ब्लैंक अगेंस्ट ईच। तो यहाँ पर हमें पहचानने की यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो फर्स्ट है 7/12 इंटू 1/9 प्लस 5/3 इक्वल 7/12 इंटू 1/9 प्लस 7/12 इंटू 5/3। पहचान सकते हो आप ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 5/7 इंटू 25/3 प्लस 4/3 इक्वल 5/7 इंटू 25/3 प्लस 5/7 इंटू 4/3। सेम टाइप से है ये भी, इसी तरह से पहले इंटू किया गया है इन दो नंबर्स का, देन इन दो नंबर्स का इंटू और इन्हें आपस में ऐड किया गया है, ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप दोनों ही लिख सकते हैं। देन थर्ड है 8/11 इंटू 3/7 इक्वल 3/7 इंटू 8/11। अब यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर्स का इंटरचेंज हुआ है। इंटरचेंज हुआ है कैसे, 8 यहाँ फर्स्ट में है यहाँ सेकंड में, और यहाँ 3/7 फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर फर्स्ट में आ गया, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन फोर्थ है 5/3 इंटू 3/5 इक्वल टू 1। तो यहाँ 5/3 का मल्टीप्लाई किया गया इसी के इनवर्स से, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है इसका 3/5, सो आंसर इज 1। तो यहाँ पर है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। फिफ्थ है -3/12 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -3/12 इक्वल टू -3/12। तो यहाँ पर एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और दूसरी है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को दिया गया है, और यहाँ पर रैशनल नंबर्स का इंटरचेंज किया गया है, वन जो यहाँ पर बाद में है यहाँ पहले है, तो ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ वन से मल्टीप्लाई किया गया है, सो आंसर इज द रैशनल नंबर, जो कि सबसे पहले था रैशनल नंबर वही हमारा आंसर है, इसलिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों होगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल को ही हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। रेसिप्रोकल इक्वल टू एडिटिव इनवर्स, दोनों ही एक होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर 4 का रेसिप्रोकल हम करेंगे, इसका इनवर्स करेंगे, तो ये तो अभी 4/1 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। ओके, इसका हमने रेसिप्रोकल किया, ये हुआ 1/4। सेम ऐसे 17/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/17, -6/29 का होगा 29/-6। माइनस को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं -29/6, या हम इसे -6 ही रखें तो भी सही है। पी बाई क्यू को हम लिखते हैं क्यू बाई पी। ओके, तो ये हुए रेसिप्रोकल्स सभी नंबर्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ट्रू और फॉल्स द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। किसी रैशनल नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स, सॉरी इसके रेसिप्रोकल, जैसे कि 5 17/5 और 5/17, इस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नंबर ये है,
तो इनका मल्टीप्लाई अगर किया जाए, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना होगा, ये तो 1 होगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो हम फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पर ट्रू, ओके। सेकंड, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इज वाई एंड द रेसिप्रोकल ऑफ वाई इज 1/x, तो हम ये देखते हैं जब एक्स का रेसिप्रोकल वाई है तो वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स होगा। तो 1/x इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो यहां पर होगा फॉल्स। थर्ड है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ए नेगेटिव रैशनल नंबर। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या नेगेटिव आया, नहीं आया। नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है। सो यहाँ पर ये होगा फॉल्स। नंबर फोर्थ, 0 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। ये बिल्कुल सही है, 0 किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। सो इट इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 18.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।